ये बहुत कम लोगों को सूट होती है मुझे, बेस्ट फेयरनेस क्रीम या फिर बेस्ट स्किन लाइटनिंग क्रीम। सो हेलो एवरीवन, दिस इज स्टाइल विद साइबा। तो कैसे हो आप सब लोग, आई होप कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं जो आप लोगों में शेयर करने वाली हूँ वो होने वाला है मेडिसैलिक क्रीम का रिव्यू। आपने तो जरूर इस क्रीम के बारे में सुना ही होगा। इस क्रीम के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी, लाइक इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके यूजेस क्या क्या है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। बेनिफिट्स के बारे में तो सभी लोग बात करते हैं लेकिन साइड इफेक्ट्स के बारे में हर कोई बात नहीं करता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। साथ में ये कैसे काम करती है और इसका आपको क्या क्या बेनिफिट होते हैं, कैसे ये वर्क करती है आपके स्किन के ऊपर, ये आपकी स्किन व्हाइटनिंग में हेल्प करेगी या फिर नहीं करेगी, वो सारा कुछ आपको वीडियो के एंड तक जरूर पता लग जाएगा। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। हाँ जी गाइस, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं पैकेजिंग के बारे में। तो पैकेजिंग जो आपको मिलती है ना, वो आपको मिलती है कुछ इस तरीके की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आपको ये मिलती है। और इसकी जो अंदर की पैकेजिंग है वो नॉर्मल ट्यूब पैकेजिंग में ही आती है ये क्रीम। इसकी जो क्वांटिटी है आपको मिल जाती है 20 ग्राम की। साथ में अब इसकी बात कर लेते हैं यूजेस एंड बेनिफिट्स के बारे में। सो गाइस, यहाँ पे जो मेडिसैलिक क्रीम है इसमें आपको दो हाइलाइटिंग इंग्रेडिएंट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। फर्स्ट आपका क्लोबिटासोल प्लस आपका सैलिसिलिक एसिड आपको मिल जाते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, बेनिफिट्स इसके आपको क्या क्या मिलते हैं, अगर आपके फेस पे इचीनेस की प्रॉब्लम है, रेडनेस की प्रॉब्लम है या फिर आपको एक्जिमा टाइप की जो डिजीज टाइप की हो जाती है आपके फेस के ऊपर, ये है यानी कि जो रेड पैचेस टाइप के हो जाते हैं ना, अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। साथ में आपके फेस के ऊपर स्वेलिंग टाइप भी हो गई है या फिर आपको बहुत ज्यादा रेडनेस टाइप की हो चुकी है, उस केस में भी आप इस क्रीम को जो है यूज कर सकते हो। हाँ जी गाइस, अभी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ये मेडिसैलिक क्रीम कैसे वर्क करती है। मैंने आपको बताया कि इसमें दो मेन इंग्रेडिएंट है। अगर आपके फेस के ऊपर रेडनेस, इचीनेस या फिर आपको झाइयों की प्रॉब्लम है या छोटे छोटे दाने भी हैं, उस केस में अगर आप इसको अप्लाई करते हो उसके बाद, जैसे कि इसमें क्लोबिटासोल होता है जो कि इंग्रेडिएंट है, सेफ इंग्रेडिएंट है, कोई भी आपको इतना ज्यादा हार्म नहीं करता है, और इसमें आपको सैलिसिलिक एसिड है, तो ये काफी ज्यादा हेल्प करता है आपकी स्किन को स्मूथ बनाने में, सपल बनाने में और जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना आपके फेस के ऊपर उसको हटाने में, काफी ज्यादा सॉफ्ट स्किन आपको प्रोवाइड करता है अगर आप इसको यूज करते हो तो। और हाँ गाइस, सैलिसिलिक एसिड जो होता है वो आपकी जो भी डेड स्किन होती है ना उसको रिमूव करने में भी हेल्प करता है और आपकी स्किन को सॉफ्ट तो करता ही है। हाँ जी गाइस, अभी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपको कैसे इसको यूज करना है, हाउ टू यूज दिस क्रीम। तो फर्स्ट आपको आपको हमेशा हैंड वॉश करना है यूज करने से पहले। आपको आपका फेस जो है काफी ज्यादा क्लीन करना है, यानी कि वॉश कर लेना है। डर्टी फेस पे आपको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है इस क्रीम को। तो आपको जब इसको अप्लाई करना है बिल्कुल आपका फेस जो है वो क्लीन होना चाहिए। आप चाहो तो इसको अफेक्टेड एरियाज पे भी लगा सकते हो जहां पर आपको प्रॉब्लम है, रेडनेस, इचीनेस या स्वेलिंग वगैरह है, या आपको रेड पैचेस है, या फिर आपको झाइयों की प्रॉब्लम है, या फिर ऐसा कुछ भी है, उसी एरिया पे आप लगा सकते हो। और रात को ही आपको यूज करना है क्योंकि एक मेडिकेटेड क्रीम है। इसमें हमें इसमें लिखा हुआ भी होता है, इसे मेंशन भी होता है कि एक्सटर्नल यूज के लिए अप्लाई करनी है, कोई भी इंटरनल केस में आपको अप्लाई नहीं करनी है। आपको फेस के ऊपर अप्लाई करनी है, हैंड्स के ऊपर अप्लाई करनी है, जहां पर भी अप्लाई करना है वहां पर अप्लाई कर सकते हो। सो गाइज, यहाँ पे अगर मैं इसके टेक्सचर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो टेक्सचर मिल जाता है वो कुछ इस तरीके का मिलता है। जेल कंसिस्टेंसी में आपको जो ये क्रीम है वो मिल जाती है, आप देख सकते हो। ऑयल बेस्ड क्रीम है, लाइक ऑइंटमेंट क्रीम है ये। ये इस तरीके की आपके फेस के ऊपर लगेगी या लगाने के बाद कुछ इस तरीके की जेल फॉर्म में है ये। कुछ जैसे वैसलीन होता है ना, वैसलीन का फॉर्मूला होता है, सेम वैसी है। थोड़ी स्टिकीनेस ही आपको दिखेगी इस क्रीम में। तो आप रात को ही इसको यूज करना और दिन में यूज नहीं करना है आपको। गाइज, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। लाइक हमने इसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर ली है, कैसे काम करती है वो बात कर ली है, कैसे यूज करनी है वो बात कर ली है। अब यहाँ पे इसकी साइड इफेक्ट्स की बारी आती है कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सो गाइज, आपको कैसे पता लगेगा कि इसके साइड इफेक्ट्स आपको होंगे या फिर नहीं होंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पैच टेस्ट जरूर करना है, राइट? आपको थोड़ी सी क्रीम लेनी है, आपको आपके नेक पे लगाकर देखना है, थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, पूरी फुल नाइट के लिए छोड़ देना है। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है, एबनॉर्मल एक्टिविटीज टाइप की लगती है कि आपके फेस के ऊपर जलन हो रही है या कुछ ऐसा बर्निंग सेंसेशन टाइप की, इचीनेस हो रही है, रेडनेस टाइप की हो रही है, तो आपको इस क्रीम को जो है वो यूज नहीं करना है। तो ये एक मेडिकेटेड क्रीम है, तो इसको यूज करने से पहले आपको डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करना है, उसके बाद ही इसको यूज करना है। ऐसे ही खरीद के खुद से यूज करने लग जाओगे और अगर आपको सूट नहीं होगी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसके साइड इफेक्ट्स किस किस वे में आपको दिख सकते हैं, लाइक आपको साइड इफेक्ट्स आपको कैसे पता लगेगा? फर्स्ट, अगर आपको बर्निंग सेंसेशन होती है, आपको इचीनेस टाइप की होने लग जाती है इसको लगाते ही, खुजली टाइप की होती है फेस के ऊपर, तो आपको इसको यूज नहीं करना है, स्टॉप कर देना है यूज करना। इसको लगाने के बाद आपके फेस के ऊपर रेडनेस दिखाई देती है या आपका फेस थोड़ा बहुत भी स्वेलिंग होता है, यानी कि जो आपको ये बेनिफिट दे रही है वही रिवर्ट आपको साइड इफेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। वो सारे केसेस में आपको तुरंत ही स्टॉप कर देना है यूज करना। ऑलराइट गाइस, अब यहाँ पे हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ, लाइक मेरा ओपिनियन क्या है इस क्रीम को लेकर, आपको इस क्रीम को कितने टाइम तक यूज करना चाहिए अगर आप इसको यूज करते हो। तो मैं अगर अपने ओपिनियन की बात करूँ तो ये आपकी मेडिकेटेड क्रीम है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 महीने तक यूज करना है अगर आप इसको यूज करते हो तो। उससे ज्यादा आपको यूज नहीं करना है क्योंकि आपको साइड इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, प्लस आपकी स्किन को जो है काफी ज्यादा पतला बना देगा और आपको हमेशा धूप में जाने चाहते हो ना, जब उसके बाद में आपको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी, तो इस वजह से आपको लॉन्ग टर्म तक के लिए इसको यूज नहीं करना है।
टर्म के लिए आप यूज कर सकते हो, आपको पैच टेस्ट जरूर करना है। अगर आपकी स्किन के ऊपर सूट होती है तभी आपको इसको यूज करना है, विदाउट डॉक्टर के कंसल्ट के आपको यूज नहीं करनी है। तो सारी चीजों को देखने के बाद आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो कि आपकी स्किन अगर सेंसिटिव है तो आपको बिल्कुल भी ऐसे कोई भी क्रीम को यूज नहीं करना है जो कि आपको सूट ना हो, क्योंकि ये बहुत कम लोगों को सूट होती है। और हाँ गाइस, जरूरी नहीं है कि ये क्रीम किसी को सूट हो गई है तो आपको भी सूट हो जाए, क्योंकि हर किसी की स्किन टाइप जो है ना वो बहुत ज्यादा अलग होती है, हर किसी की स्किन टाइप डिफरेंट होती है। तो ऐसा नहीं है हर किसी को सूट हो जाए, क्योंकि मेरे केस में भी ये मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं हुई, क्योंकि मेरे को भी लगाने के बाद ना फेस के ऊपर बहुत ज्यादा खुजली टाइप की होने लग गई थी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आपके साथ में भी रिव्यू शेयर करना तो बनता ही है, लेकिन मेरे फैमिली मेंबर में से एक को सूट हो गई है ये, तो ये काफी ज्यादा अच्छे से वर्क भी करती है, तो इसलिए मैंने आपके साथ में ये रिव्यू शेयर किया, वो भी ऑनेस्ट रिव्यू शेयर किया ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो सके। ऑलराइट गाइस, सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये ऑनेस्ट रिव्यू पसंद आया हो इस क्रीम का तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके तो उसके लिए शेयर भी कर देना फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, तो बिल्कुल फ्री है स्टाइल विद साहिबा। और अगली नेक्स्ट वीडियोस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिफाई बेल को भी क्लिक करना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी।